फ्रेंड्स, कुछ खास खबर अर्नब गोस्वामी केस में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अभी हालांकि केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको सुनना और समझना चाहिए, जो कि अर्नब गोस्वामी केस की मेन बात है। जो सबसे मेन बात जो अभी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो कुछ पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं जो बार एंड बेंच द्वारा निकल कर आ रही हैं। तो क्या है पूरी खबर मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन सबसे पहले ये बता दूँ, कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से असेंबली के सेक्रेटरी को नोटिस सर्व किया है रिगार्डिंग अर्नब गोस्वामी केस, आप लोगों को सब पता है कि क्या हुआ कल। जिस तरह से जस्टिस A.S. बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम द्वारा सुना हुआ केस, सुनी हुई बात पर उन्होंने किस तरह से महाराष्ट्र असेंबली सेक्रेटरी को एक नोटिस सर्व किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 32 इज़ मेंट फॉर द सिटीज़न, तो आप किसी को भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से नहीं रोक सकते हैं। तो वी इश्यू नोटिस टू द सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली टू शो कॉज एज टू व्हाई कंटेम्प्ट शुड नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट हिम इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहीं दूसरी बात जो सालवे जी ने कल बात रखी थी कि CGM द्वारा ऑलरेडी ये कहा गया है कि इल्लीगल डिटेंशन ऑफ अर्नब गोस्वामी है, ये मैलिफाइड इंटेंशन है, जिसकी वजह से आज अर्नब गोस्वामी जुडिशल कस्टडी में है। तो आज की जो मेन बात जो बार एंड बेंच से निकल कर आ रही है वो ये है बार एंड बेंच द्वारा कि अर्नब सफर्ड अ 6-inch डीप गैश ऑन हिज लेफ्ट हैंड, सीरियस इंजरी टू हिज स्पाइनल कॉर्ड, हिट बाय अ हेवी यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर्स बूट, नॉट अलाउड टू वियर शूज थ्रू आउट, सफर्ड वेन इंजरीज एंड नॉट इवन गिवन एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। अर्नब वॉज ऑल्सो फोर्स टू कंज्यूम सर्टन लिक्विड बाई द पुलिस ऑफिसर्स गार्डिंग हिम एंड चॉक्ड एज अ रिजल्ट देयर ऑफ। तो क्या इस पर हाईकोर्ट संज्ञान लेगी, ये देखने और समझने की बात है। लेकिन फिलहाल सुनवाई शुरू हो चुकी है अर्नब गोस्वामी मामले में और TRP स्कैम से रिलेटेड हंसा की दलीलों को सुना जा रहा है फिलहाल। तो जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा।